दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा देश जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उसी देश के लोगों के पास रहने के लिए घर ना हो। अपनी भूख मिटाने के लिए उनको घास, पेड़ की छाल और रूट्स खानी पड़ती हो। कुछ ऐसा ही हालत था जापान का 1945 से पहले। जापान की हिस्ट्री को हम दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ में है बहुत सारा एक्शन और ट्रेजेडी। जापानीज आर्मी कोरिया को कम्प्लीटली कैप्चर कर लेते हैं और सारे सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। अमेरिका जापान के दो सिटीज के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देता है। जापान एक परफेक्ट रिवेंज प्लान कर रहा था, लेकिन ये रिवेंज वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वहीं सेकेंड हाफ में है किस तरह जापान, जिसको अमेरिका ने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो जीरो से स्टार्ट करके दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। टोयोटा, सोनी, होंडा, निंटेंडो, ये सब जापान की कंपनीज हैं। इसके बाद जो छोटे छोटे कंपनीज थे उनके ग्रोथ के लिए जापानी सरकार एक ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल लॉन्च करता है। इन सबसे इंडिया बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर टू के एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन से। अगस्त 1945 को एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट बोइंग B-29 मरियाना आइलैंड से टेक ऑफ करता है। Command, this is Enola Gay. We are approaching the initial point. Weather is clear and visibility is excellent. Command. सुबह 8:15 पर वो एयरक्राफ्ट हिरोशिमा शहर के ऊपर होता है। नीचे जो जापान के लोग थे उन्हें एयरक्राफ्ट से कुछ गिरता हुआ दिखता है। एक्चुअली ये एक एटॉमिक बम था जिसका नाम था द लिटिल बॉय। ग्राउंड तक पहुंचने के लिए इसे 43 सेकंड्स लगते हैं। उसी 43 सेकंड्स में एटॉमिक बम के अंदर जो बायोमेट्रिक ट्रिगर्स थे वो ऑन हो जाते हैं। फिर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल बुलेट के स्पीड से फायर होता है और यूरेनियम-235 के साथ अटैच हो जाता है। तभी एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिससे अनलिमिटेड एनर्जी रिलीज होती है। अभी भी ये ग्राउंड से 600 मीटर ऊपर था और फिर ब्लास्ट होते ही एक बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट होता है। इसके सेंटर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 80,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसीलिए ग्राउंड का टेम्परेचर भी लगभग 5,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये कितना डेंजरस था आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। पलक झपकते ही 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जितने लोग थे वो इंस्टेंटली वेपराइज्ड हो जाते हैं। टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि लोगों की परछाई जमीन पर रह जाती है। आसमान से बम गिरने से लेकर लोगों का जलकर राख हो जाना, ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। इस न्यूक्लियर अटैक की वजह से एक दिन में 80,000 लोग मारे जाते हैं। फिर उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ये अनाउंस करते हैं, An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. If they do not now accept our terms, we shall completely destroy Japan's power to make war. यूएस के इस वार्निंग के बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता है। इसीलिए 3 दिन के बाद नागासाकी में एक और न्यूक्लियर अटैक होता है। Some people, they are just burning and they are melting. They are screaming. They all say, give me water, give me water. इन दोनों अटैक्स में इंस्टेंटली 1,20,000 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जापान के एम्परर हिरोहितो सरेंडर कर देते हैं। हिरोहितो हमारी कहानी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे बताता हूँ। हिरोहितो के सरेंडर के बाद अमेरिका जापान के ऊपर और अटैक्स करना बंद कर देता है, लेकिन कहा जाता है कि यूएसए के पास और भी 3 से 4 एटॉमिक बॉम्ब्स रेडी थे। These bombs are now in production, and even more powerful bombs are in development. अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो उन्हें भी जापान के ऊपर गिराया जाने वाला था। पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में जापान के 4 इम्पोर्टेंट सिटीज थे। इसमें से कोकुरा, निगाता और योकोहामा में बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। वहीं क्योतो एक कल्चरल और हिस्टोरिकल सेंटर था। अगर इन 4 सिटीज के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक होता तो शायद पूरा जापान ही डिस्ट्रॉय हो जाता। यहाँ पे मैं एक फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सब कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे। इसमें आपको अमेरिका नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत में अमेरिका इन्वॉल्व ही नहीं था। तो अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स क्यों करता है? ये सब हो रहा था जापानीज एम्पायर की लालच की वजह से। दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब। अर्ली 1900s में जापान के एम्परर्स अपने एम्पायर को तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे। उस टाइम पे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज एशिया के बहुत सारे कंट्रीज को कोलोनाइज करके रखे हुए थे। इसीलिए जापानीज एम्पायर अक्सर ग्रेटर एशिया की बात करता था। इसका मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस को एशिया से कम करने के लिए जितने भी ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो एक होकर ग्रेटर एशिया बनाए। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जापान का एक बहुत ही डार्क इंटेंशन था। एक्चुअली जापान एक छोटी सी कंट्री है, इसलिए उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल,
आयरन, कोल ये सब नहीं है। इन सब के लिए जापान को अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता था। लगभग 80% ऑयल जापान अमेरिका से इंपोर्ट करता था। ये सब न्यूक्लियर अटैक से पहले की बात है, जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छा हुआ करता था। लेकिन जापान को एक वेस्टर्न कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना उतना पसंद नहीं था, इसीलिए वो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन चूज करता है। ग्रेटर एशिया का बहाना देकर वो अपने आसपास की कंट्रीज और आइलैंड्स को फोर्सफुली कैप्चर करने लग जाता है, क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रिजर्व था। जैसे इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करने के लिए हमारे देश में ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहा था, ठीक वैसे ही जापान दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करके वहां से ऑयल और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने में लगा था। जापानीज आर्मी का किसी भी देश को कब्जा करने का तरीका बहुत ही ब्रूटल हुआ करता था। जब वो किसी कंट्री को कैप्चर करते थे तो सबसे पहले वो अपने फाइटर प्लेन्स को उस देश में भेजते थे, जो जगह जगह हेवी बॉम्बिंग करता था। फिर एनिमी सोल्जर्स को अरेस्ट करके उनको बहुत ही बेरहमी से मार देते थे। उनका तरीका इतना ब्रूटल होता था कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इवन जो सोल्जर्स हॉस्पिटलाइज्ड होते थे वो उनको भी नहीं छोड़ते थे। उस देश के जो प्रिजनर्स होते थे वो उनको फोर्स्ड लेबर की तरह यूज करते थे, और जो लोग काम नहीं कर सकते थे वो उनको मार देते थे। लेकिन सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होता था नॉर्मल सिटीजन के ऊपर। हर जगह मास मर्डर, रेप, लूटिंग ये सब होने लगा था। चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से औरतों को कैप्चर करके जापानी सोल्जर्स के पास भेज दिया जाता था उनको कंफर्ट करने के लिए। इन औरतों को कंफर्ट वुमेन कहा जाता था। जापान की ये हरकतें ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका जैसे कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था, जो खुद ही दूसरे कंट्रीज को कॉलोनाइज करके रखे हुए थे। 1940 तक जापान ने कोरिया को कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया था, और चाइना के कुछ मेजर सिटीज को भी जापान कॉलोनाइज कर चुका था। सबसे पहले चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मंचूरिया को जापान कैप्चर कर लेता है, फिर चाइना के दूसरे मेजर सिटीज जैसे बीजिंग, शंघाई और नानजिंग पे भी कब्जा कर लेता है। इसी नानजिंग सिटी में जापानीज आर्मी एक बहुत ही खतरनाक मैसेकर करते हैं। इस टॉपिक को मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली उस वक्त जापान के पास एक बहुत ही पावरफुल एयरफोर्स और नेवी हुआ करता था। कोरिया, चाइना के कुछ इंपोर्टेंट सिटीज और कुछ रिमोट आइलैंड्स को कैप्चर करने के बाद जापानीज एम्पायर में घमंड आ जाता है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, और इसी घमंड की वजह से वो एक के बाद एक मिस्टेक्स करने लग जाता है। 1940 के बाद जापान साउथ में एक्सपैंड करने के लिए डिसाइड करता है, और इंडो चाइना के इस रीजन को कैप्चर भी कर लेता है। वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया जैसे कंट्रीज को इंडो चाइना कहा जाता था, और इन कंट्रीज के ऊपर फ्रेंच एम्पायर ने कब्जा किया हुआ था, इसीलिए इसे फ्रेंच इंडो चाइना भी कहा जाता था। इस इंडो चाइना रीजन को कैप्चर करने के बाद जापान सबसे पहले क्या करता है, वो यूएस और चाइना के बीच में जो सप्लाई रूट था उसको कट ऑफ कर देता है, क्योंकि चाइना और जापान के बीच में पहले से ही लड़ाई हो रही थी। इस सप्लाई रूट को कट ऑफ करने का मतलब था अमेरिका को चाइना से कट ऑफ कर देना, क्योंकि चाइना यूएसए का अलाय था और उनके बीच में इसी रूट पर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते थे। अभी यूएस वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन जापान की ये हरकतें उसको पसंद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रांग स्टेप लेता है। अमेरिका सबसे पहले जापान को स्क्रैप मेटल सप्लाई करना बंद कर देता है, फिर जापानी शिप्स के लिए पनामा कैनाल का गेट बंद कर देता है, उसके कुछ महीने के बाद ऑयल सप्लाई करना भी बंद कर देता है। इन सबसे जापान की इकोनॉमी को एक बहुत तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि जापान का 74% स्क्रैप आयरन, 80% ऑयल और 93% कॉपर अमेरिका से आता था, और ये सब मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता था। इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद जापान को ये पता चलता है कि उसके पास जो रिसोर्सेस है वो मैक्सिमम 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि जापानीज एम्पायर को अपने पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। 1941 में जापान का एम्पायर था हिरोहितो। अभी वो ये सोचता है कि क्यों ना हम ऐसे देश को कब्जा कर लें जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेस हो, तो हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए वो अभी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कंट्री को कैप्चर करने के लिए डिसाइड करता है। लेकिन ये जापान का सबसे बड़ा मिस्टेक साबित होने वाला था, क्योंकि अभी वो जो करने वाला है उसी की वजह से ही न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे। जिन कंट्रीज को जापान कैप्चर करना चाहता था वहाँ के लोगों को ग्रेटर एशिया का बहाना देकर उनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त इंडोनेशिया के ऊपर डच का कंट्रोल था, तो वहीं सिंगापुर और मलेशिया के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का कंट्रोल था। ये डच और ब्रिटिश एम्पायर अमेरिका के अलाय थे, और दूसरी तरफ जिस फिलीपींस को कैप्चर करने का वो प्लान बना रहा था उसे खुद अमेरिका ने ही ऑक्यूपाई किया हुआ था, और स्ट्रेटेजिकली भी फिलीपींस एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था। अगर जापान इसे कैप्चर कर लेता है तो पैसिफिक ओशन के इस रीजन में जापान का कंट्रोल आ जाएगा, फिर वो अलाइड नेशंस मतलब अपनी एनिमी कंट्रीज का मिलिट्री प्रेजेंस, सप्लाई लाइंस और कम्युनिकेशन रूट्स इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जापान को ये अच्छे से पता था कि अगर हम फिलीपींस को कैप्चर करते हैं तो यूएसए हमारे ऊपर जरूर अटैक करेगा, तो जापान के एम्पायर हिरोहितो फिर से एक स्टेप आगे का सोचता है। वो अपने आर्मी ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर देता है, इससे पहले कि यूएसए हमारे ऊपर अटैक करे हम यूएसए के ऊपर अटैक कर देते हैं।
7 दिसंबर के सुबह 8 बजे के आसपास बहुत सारे जापानीज फाइटर प्लेन्स और सीप्स तेजी से एक आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उस आइलैंड का नाम था हवाई। अभी अचानक से जापान ये क्या कर रहा था? हवाई में एक हार्बर है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। ये पैसिफिक ओशन में यूएस आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस था। उस दिन वहां पे काफी सारे यूएस आर्मी और सिविलियंस भी मौजूद थे। फिर जापानीज एयरक्राफ्ट पर्ल हार्बर को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जापान की तरफ से एक सरप्राइज अटैक था जिसके लिए यूएस आर्मी तैयार नहीं था, इसीलिए डैमेज भी बहुत ही ज्यादा होता है। 2400 यूएस सोल्जर्स, 68 सिविलियंस के साथ साथ ऑलमोस्ट सारे बैटल शिप्स, नेवी शिप्स और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये पर्ल हार्बर अटैक का रियल फुटेज है। बेसिकली इस अटैक के बाद पैसिफिक ओशन से यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब अभी यूएस आर्मी जापान को रोक नहीं सकती थी, इसलिए अभी जापान किसी भी देश को आराम से कैप्चर कर सकता था। पर्ल हार्बर अटैक के नेक्स्ट डे यानी कि 8 दिसंबर को जापान फिलीपींस को कैप्चर कर लेता है। उस वक्त वहां पे लगभग 16,000 अमेरिकन सोल्जर्स थे। उन सबके साथ जापानीज आर्मी उतनी ही ब्रूटल तरीके से बिहेव करती है जैसे वो बाकी के एनिमी सोल्जर्स के साथ करते थे। ये सब यूएसए के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। ये वो पॉइंट था जब यूएसए सारा ह्यूमैनिटी और मोरल वैल्यूज भूल जाता है और उसके सामने सिर्फ एक ही गोल होता है, रिवेंज। से लेकर 1945 के बीच में जापान किसी ना किसी कंट्री के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए लोगों के बेनिफिट से ज्यादा मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होने लगा था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता था तो वो थे जापान के लोग। लोग सरकार को अपनी कमाई का एक हेवी अमाउंट टैक्स में देते थे। जिसका कोई फार्मिंग लैंड था या फिर खुद का कोई दुकान था, उन सबको जापानीज आर्मी जबरदस्ती हड़प लेती थी। स्पेशली 1944 और 45 जापान के लोगों के लिए बहुत ही बुरा वक्त था, क्योंकि जगह जगह हेवी बॉम्बिंग होता था। फिर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स के बाद जापान के सिटीज और एग्रीकल्चरल लैंड सब डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज की वजह से लोग भूखे प्यासे अपनी जान गंवा देते थे, और जो लोग अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे वो लोग घास, पेड़ की छाल और रूट्स खाने लगे थे। सरकार के तरफ से लोगों को बहुत ही कम राशन मिलता था। अभी जिन फैमिली में ज्यादा मेंबर्स थे वो लोग चावल की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें लकड़ी से जो डस्ट निकलता है उसको डाल देते थे, फिर उसको उबाल के खाते थे। और 1945 आते आते जापान के लोगों का हालत वैसा ही था जैसे हम इंडियंस का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंडिया में इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडिया को उस वक्त ब्रिटिश सरकार कॉलोनाइज करके रखी हुई थी और ब्रिटिश सरकार हमारे फूड सोर्स को अपने सोल्जर्स के लिए भेज रहे थे जो उस वक्त वर्ल्ड वॉर में फाइट कर रहे थे। इसलिए इंडिया में भी फूड का शॉर्टेज होने लगा था। ओडिशा, बंगाल और बिहार में भूखमरी से लोगों का हालत खराब होने लगा था। लाखों लोगों की बॉडी सड़क पे पड़ी हुई मिलती थी। लेकिन 1960 तक जहां इंडिया गरीबी, भूखमरी और बॉर्डर टेंशन इन सब में उलझा हुआ था, तब तक जापान वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका था। और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से 1960 से 2010 तक कंटिन्यूअसली 50 साल जापान दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था। आज के वक्त जापान एक पीसफुल कंट्री है और वहाँ पे क्राइम रेट ना के बराबर है। ये सब इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जो हम जापान से सीख सकते हैं, खास करके आज के वक्त ये बहुत ही जरूरी है। ओके, अभी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जिस यूएसए ने जापान को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था वही जापान को रीबिल्ड करने के लिए आगे आता है। लेकिन जापान के लोग बहुत ही पैट्रियोटिक होते हैं और कल्चरली रूटेड होते हैं, तो जापानीज लोगों के साथ जो हुआ था क्या वो उन सबको इतनी जल्दी भूल जाते हैं? नहीं, जापान एक परफेक्ट रिवेंज प्लान कर रहा था, लेकिन ये रिवेंज वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इन पॉलिटिकल टेंशन के साथ साथ जापान को एक और थ्रेट का सामना करना था, जिसे अगर वो जल्दी सॉल्व नहीं करता तो आज जापान का हालत पाकिस्तान जैसा बन सकता था। और यही इंडिया के लिए पहला लेसन है। पहले इंडिया की बात करते हैं। हमारे यहाँ जब कुछ ही दिनों के लिए हैवी रेनफॉल होता है तो उसमें हमारा हालत ऐसे हो जाता है, बहुत आदमी का घर पानी के अंदर गया, स्टेट इज ऑन हाई अलर्ट, घर भरे डूब गया, ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत तकलीफ है। अभी ये इंसिडेंट्स हर साल रिपीट होते हैं, लेकिन जापान एक डेंजर एरिया में होने के बाद भी वो जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स से फाइट करता है वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जांपल है। मैं डेंजर एरिया क्यों बोल रहा हूँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जापान एक आइलैंड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान में 111 एक्टिव वोल्केनोज हैं। मतलब एक छोटा सा कंट्री जिसका लैंड एरिया हमारे राजस्थान जैसा है वहाँ पे 111 एक्टिव वोल्केनोज हैं। अभी इसका रीजन क्या है? ये है अर्थ के 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स।
अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर को टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। आपको पता होगा कि अर्थ के कोर से सरफेस की तरफ हीट ट्रांसफर होता है, जिससे एक कन्वेक्शन करंट जेनरेट होता है। इसी करंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही सारा लैंड एरिया है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, तब अर्थक्वेक, सुनामी ये सब देखने मिलते हैं। और अगर कोई कंट्री टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री में है तो वहां पे सीवियर अर्थक्वेक्स देखने मिलते हैं। और जापान का सबसे डेंजरस बात यह है कि वहां पे 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के मीटिंग पॉइंट है, इसलिए वहां पे बहुत गहरे समंदर हैं, बहुत सारे वोल्केनोस देखने मिलते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ईयर सुनामी, अर्थक्वेक और टाइफून जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना डैमेज नहीं होता है और लोगों का फैटेलिटी रेट भी बहुत ही कम रहता है। इसे अगर दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, लास्ट ईयर जब टर्की में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तब 55,000 लोग मारे गए थे। वहीं इसी साल जब जापान में एक सिमिलर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो सिर्फ 288 लोगों की ही मौत हुई थी। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि जापान के हर एक बिल्डिंग को एक स्ट्रिक्ट सेस्मिक कोड का रिक्वायरमेंट मीट करना पड़ता है। बेसिकली एक बिल्डिंग के फाउंडेशन, पिलर और दीवार का थिकनेस कितना होना चाहिए, उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए अर्थक्वेक आने पर जब ग्राउंड में वाइब्रेशन होता है, तब उन बिल्डिंग्स में मिनिमम डैमेज होता है। इसके ऊपर एक और स्टेप है जिसमें रबर से बने डैम्पर्स को पिलर के बीच में लगाया जाता है। जब ग्राउंड शेक होने लगता है तो उसके वाइब्रेशन को ये डैम्पर्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग के कंपैरिजन में अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग कैसे शेक होता है, आप इसमें देख सकते हैं। इसके ऊपर एक और स्टेप आता है जो बहुत ही एडवांस्ड है। इस मेथड को स्काईस्क्रैपर्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। इसमें बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे स्टील, रबर और लीड के लेयर्स होते हैं। इससे ग्राउंड कितना भी शेक हो रहा हो, बिल्डिंग बिल्कुल ही स्टेबल रहता है। 2011 में जापान में जब 9.0 मैग्नीट्यूड का एक डेंजरस अर्थक्वेक आया था, तब इस मेथड में जितने भी बिल्डिंग्स बने थे उनका मिनिमम डैमेज हुआ था। सिमिलरली सुनामी और फ्लडिंग को कंट्रोल करने में भी जापान बहुत आगे है। जापान में कई सारे बड़े बड़े रिवर्स हैं, इसीलिए किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लडिंग जापान में ही होता है। फ्लडिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए सबसे पहले ऐसे कोस्टल डाइक्स बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए सैंड, क्ले और बड़े बड़े पत्थर का यूज किया जाता है। इसमें कई सारे स्लोप्स होते हैं जो वेव की स्पीड को कम कर देते हैं। फिर उन कोस्टल डाइक्स के आगे ऐसे लंबे लंबे कंक्रीट के दीवार बनाए जाते हैं। अगर इन डाइक्स और कंक्रीट वॉल्स में टकराने के बाद भी पानी नहीं रुकती है, तो उसके आगे होते हैं ग्रीन बेल्ट्स। बेसिकली जापान में सिटीज और समंदर के बीच में बहुत सारा गैप होता है, उस गैप में फॉरेस्ट बनाया जाता है, इसे ही ग्रीन बेल्ट कहते हैं। ये पानी को सिटीज तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इन तीनों स्टेप्स के बाद भी पानी नहीं रुकती है, तो फिर क्या होगा? इन तीनों स्टेप्स में भी अगर पानी नहीं रुकती है, तो उसके बाद ऐसे ह्यूज अंडरग्राउंड टनल्स बनाए गए हैं। ये टनल्स बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इन टनल्स को मेजर सिटीज में ही बनाया जाता है। जब सिटीज के अंदर फ्लडिंग होने का खतरा रहता है, तब इन टनल्स में जितने भी गेट्स हैं उनको ओपन कर दिया जाता है। फिर जितने भी एक्सेसिव वाटर है, वो इस टनल के रास्ते शहर के बाहर चले जाते हैं। ये सब हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया में थोड़े से हेवी रेनफॉल में ही बाढ़ आ जाती है और उसमें काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। आज के वक्त अगर आप जापान जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक सिटी में आ गए। असीमो और पेपर जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स आपको हर जगह दिखेंगे। इन रोबोट्स को क्लीनिंग, कुकिंग और लोगों की हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आपको दिखेगा बुलेट ट्रेन्स, जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। उसके साथ साथ जापान में मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स भी हैं, जो ग्राउंड के ऊपर लिटरली फ्लोट करते हुए चलते हैं, इसलिए ये ट्रेन्स 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकते हैं। इवन जापान में जो नॉर्मल टॉयलेट्स होते हैं, वो भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन इतना सारा डेवलपमेंट इतने कम टाइम में अचीव करना जापान के लिए आसान नहीं था। 1945 के बाद जापान के मिलिट्री पावर को कम कर दिया जाता है और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और चाइना के साथ यूएसए का रिलेशन खराब होने लगा था, इसलिए वो साउथ ईस्ट एशिया में किसी एक कंट्री के साथ अपना रिलेशन सुधारना चाहता था, और वो कंट्री था जापान। इसीलिए यूएसए जापान को रीबिल्ड करने के लिए आगे आता है। जापान का मिलिट्री एक्सपेंसेस बहुत ही कम हो गया था, इसीलिए वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाता है। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम ये था कि जापान के लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो ज्यादा सामान परचेज कर सके। 1960 में जापान की सरकार लोगों के लिए इनकम डबलिंग प्लान लेकर आती है। इससे नेक्स्ट 10 सालों में लोगों का इनकम बढ़ने लगता है, इसलिए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ने लगता है। इसके बाद जो छोटे छोटे कंपनीज थे, उनके ग्रोथ के लिए जापानी सरकार एक ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल लॉन्च करता है। इसको किरेत्सु मॉडल कहते हैं। इसमें काफी सारे स्टार्टअप्स, बड़े कंपनीज और बैंक मिलकर एक लार्जर इकोसिस्टम बनाते हैं, फिर एक दूसरे को हेल्प करके सब एक साथ ग्रो करते हैं।
मतलब बड़े कंपनीज में जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने आइडियाज और फीडबैक्स छोटे कंपनीज के साथ शेयर करते हैं। इस तरह रिसोर्स शेयरिंग, म्यूचुअल सपोर्ट और रिस्क फैक्टर कम होने की वजह से किरेत्सु मॉडल के अंदर जितने भी स्टार्टअप कंपनीज होते हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर पाते हैं। टोयोटा, सोनी, मित्सुबिशी, निंटेंडो, ये सब इसी किरेत्सु मॉडल के अंडर ही ग्रो किए हैं। ये मॉडल एग्जैक्टली कैसे काम करता है उसको थिंक स्कूल ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आप बाद में देख सकते हैं। इसके बाद टोयोटा लेकर आता है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि इससे पहले वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज जस्ट इन केस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉलो करते थे। अभी जस्ट इन केस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक कार की कंपनी पहले से ही अपने सारे मॉडल्स के काफी सारे कॉपीज बना लेती थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि जब एक मॉडल का डिमांड बढ़ता था तो वही मॉडल के सारे कॉपीज सेल होने लगते थे और दूसरे मॉडल्स ऐसे ही वेयर हाउस में पड़े रहते थे, जिसमें एक ऑटोमोबाइल कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता था। लेकिन टोयोटा का जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सिर्फ एक कस्टमर और उसके डिमांड के ऊपर फोकस करता था। मतलब अगर कोई कस्टमर मॉडल एक्स का ऑर्डर देता था तभी टोयोटा अपने सप्लायर से सारे स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करता था, फिर उस कार को मैन्युफैक्चर करता था। सिर्फ एक कार बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, वैसे ही सिर्फ एक कार को स्टोर करने के लिए कोई वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। टोयोटा का इन्वेंटरी कॉस्ट कम होने के साथ साथ एफिशिएंसी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लगता है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम था कि लोगों को अपने कार के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ता था, बट सरप्राइजिंगली लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ, उल्टा टोयोटा के ऊपर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ने लगता है। टोयोटा का ये जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आज इतना सक्सेसफुल है कि पूरी दुनिया इसे फॉलो करती है। इसके साथ साथ जापानीज गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और काफी सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉयज के लिए एक परफेक्ट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। फिर जापानीज लोगों के वर्क एथिक्स और स्किल की वजह से जापानीज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छे होने लगते हैं। लोगों के ये हाईली एफिशिएंट स्किल के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है जापानीज एजुकेशन सिस्टम का। जापानीज स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब अच्छे मैनर्स, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, उनको ये सब कैरेक्टर सिखाया जाता है। इसलिए जिन बच्चों का एज 10 साल से कम होता है उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, बचपन से ही उनको अपने सराउंडिंग को कैसे साफ रखना है वो सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम, स्कूल के कंपाउंड, इवन टॉयलेट्स भी साफ करते हैं। यही रीजन है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो कभी गंदगी नहीं फैलाता। इसलिए जापान दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्रीज में से एक है। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो जापानी स्कूल्स और कॉलेजेस प्रैक्टिकल और वोकल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज में कोलैबोरेशन होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और जॉब फेयर्स होते हैं। इससे एक स्टूडेंट उसके ग्रेजुएशन से पहले ही अपना एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सकता है। अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ये सब मिसिंग है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया था। इस वीडियो को आप इसके बाद देख सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इन सब में जापान अमेरिका के ऊपर रिवेंज कैसे लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने रिवेंज के बारे में बात किया था। अगर जापानीज लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो रिवेंज इस सेंस में है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने अपने पावर का इस्तेमाल करके जापान के सारे सप्लाईज को बंद कर दिया था, ये जानते हुए कि इससे इनोसेंट लोग सफर होने वाले हैं। इसके बाद वो न्यूक्लियर अटैक्स करता है जिससे 2.5 से 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। इन सब से जापान का हालत बहुत ही खराब हो चुका था। लेकिन अगर पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जापान आज इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और रोबोटिक्स में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में भी जापान बहुत ही एडवांस्ड है। आप खुद सोच कर देखिए, हिताची, मित्सुबिशी, निंटेंडो, टोयोटा, कैनन, होंडा, पैनासोनिक, सोनी, ये सारे सक्सेसफुल कंपनीज जापान के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जापान एक सॉफ्ट पावर बन के भी उभरा है। जापानीज पॉप कल्चर्स जैसे एनिमे, मांगा और वीडियो गेम्स, जापानीज क्विजींस जैसे सुशी, रामेन, उनागी, इन सब का सबसे बड़ा कंज्यूमर आज अमेरिका है। हमारे यहाँ आपको ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर खुद को देशभक्त साबित करते हैं, लेकिन जापान में देशभक्ति का मतलब होता है अपने स्किल और हार्डवर्क के थ्रू अपने सोसाइटी या फिर देश के लिए कंट्रीब्यूट करना। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में जो मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो सैलरी के लिए काम करते हैं। उनका ऐसा मेंटेलिटी होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो मेरा लाइफ सेट है, बाकी देश के बारे में कोई और सोच लेगा। वहीं जापान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये सब क्वालिटीज होते हैं। अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता है। जापान हर कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि किस तरह हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को मेंटेन करके भी विश्वगुरु बन सकते हैं। लोगों की मेंटेलिटी और एटीट्यूड एक कंट्री के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर ये हम समझ गए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसा ही एक और वीडियो है जिसमें मैंने गांधी जी के अच्छे और बुरे दोनों साइड्स के बारे में बात किया है। उनके जो कंट्रोवर्शियल साइड है उसको सुनकर आप सरप्राइज हो जाएंगे। गांधी जी के इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और दूसरे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।